लाडो आओ सामने आके बोलना। हेलो दोस्तों, तो आज हम आए अंबेडकर पार्क में, टिकट्स ले चुके हैं, अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। बंद रहिए हमारे पास। काफी बड़ा और सुंदर है और यहाँ पे भीड़ भी हो रही है। पहले उधर चलो फिर उधर, क्योंकि वहां से लोग थक जाएंगे बहुत ही ज्यादा।
लाडो चलो, लाडो आओ, लाडो आओ, उधर से होके आएंगे तब कोल्ड ड्रिंक खोलना, उधर से होके आएंगे तब खोला जाएगा, ठीक है। ये पेड़ कितने अच्छे हैं, इनकी जड़ें ऐसे डिजाइन में ऐसे गमलों की तरह, लेकिन ऐसे हो तो नहीं सकता। ऐसे है सामने सामने तो हो नहीं रहा, नहीं तो कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हाथी हैं, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के फेवरेट जानवर हाथी ही थे, यहाँ पे हाथी है अनेक सारे। और इसको किसने बनवाया है? इसे भीमराव अम्बेडकर ने बनवाया है, अच्छा है। नहीं भीमराव अम्बेडकर ने नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया था, श्री शाह से था? श्री मायावती, श्री श्री मायावती। बहुत भीड़ है यहाँ पे आज, वहाँ वहाँ एंड में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी है। स्केटिंग करने के लिए अच्छी जगह है ऐसे। स्केटिंग तो कर नहीं रही है, कोई स्केटिंग कर रही नहीं है यहाँ पे, लेकिन अच्छी जगह स्केटिंग की, मुझे आती है, लेकिन वो वाली नहीं जिसमें पहिए बीच में होते, वो वाली मैं चाह तो उधर दो दी। गाइस ये बहुत ही सुंदर, आप देख सकते कुछ ज्यादा ही हाथी हैं। और आगे जाके क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा, परिवर्तन गैलरी। आगे परिवर्तन गैलरी है, अभी हम शहर से अंदर भी जाएंगे और आपको अंदर तस्वीर दिखाएंगे। इधर उधर एंड में भी गाइस कुछ है, दो लोग खड़े हैं, वो वाटरफॉल है नहीं? हाँ देखिए ध्यान से, वाटरफॉल है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर सुंदर। उधर फूल भी लगे हैं रेड कलर के, लेफ्ट ये बहुत पुराने जमाने में बना था, लेकिन हैरानी की बात है यहाँ पे टाइल्स लगी है, पुराने जमाने में टाइल्स नहीं होती थी, और यहाँ पे बल्ब भी लगे हैं, और पुराने जमाने में बल्ब नहीं होते थे, वो भी इतने वो सुंदर वाले, ये सोचने की बात है। इस पर रिसर्च चल रही है गाइस, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को कुछ पता नहीं चला है, जल्दी पता चलेगा, आपको अपडेट मिल जाएगी ना उसी। हाँ देखिए वो वाटरफॉल ही है, दूर से दिखता नहीं।
दीवार पे किसी की ड्राइंग भी बनी है, किसी मशीन की है ना, तो सही नहीं रोबोट की है शायद, या फिर मैप है, तब यहाँ भूल पुराने जमाने में भटक ना जाए इसलिए मैप बनाया होगा। ऊपर चलेंगे? नहीं ज़ूम करिएगा। देखिए गाइस कितना सुंदर है, और बीच वाली दीवार पे यहाँ के मैप की फोटो बनी है शायद। हाँ मैप की फोटो है मौसी जी, मैप की है। हम एकदम कॉर्नर पे हैं, सनसेट हो रहा है। तो अब गाइस हम वापस जा रहे हैं, बड़ा चलते चलते थक सकते हैं हम लोग। जब बारिश होती होगी तो यहाँ पे पानी भर जाता होगा ना आशा जी, पूरा नहीं भर जाता होगा। नहीं इधर अंदर से होके चलेंगे, हाँ अंदर से होके चला जाएगा, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन गैलरी में
के अंदर जा रहे हैं हम लोग, कुछ इंटरेस्टिंग भी मिल सकता है अंदर, शायद उनकी तलवार या फिर मुकुट, देखते हैं अंदर चल के। गाइस सामाजिक परिवर्तन गैलरी का लोकार्पण श्री मायावती जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा 25 जून 2009 को हुआ था। तो गाइस यहाँ पे बस ये सबसे पहले हमारे आए थे महात्मा गांधी, इनके बारे में लिखा है और यहाँ पे इनकी बड़ी सी मूर्ति है महात्मा गांधी की, और आगे चल के और भी है, हम देख के बताते हैं। और गाइस अब यहाँ पे आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है और इनकी मूर्ति भी है बड़ी सी। ये एक टीचर थे महात्मा ज्योतिबा फुले, देख सकते हैं। मतलब किस किस की मूर्ति है यहाँ पे, ये तो किसी राजा की, छत्रपति साहब जी महाराज। अब गाइस यहाँ पे है छत्रपति साहू जी महाराज, आप देख सकते हैं बहुत ही महान व्यक्ति थे। उनकी मूर्ति मेरे को सबसे अच्छी लगी यहाँ पे, जितनी भी मूर्तियाँ थी उनमें से, क्या हाथ में एक तलवार भी है। अब आगे चलते हैं गाइस, गाइस वो देखो माता जी दिखाई, वो देखिए वो लगता है, अरे चलेगा, अरे भैया को पैर पकड़ के सला रहे हैं। यहाँ पे गाइस सीखने के साथ साथ और गाइस ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है यहाँ पे, इन्हीं ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और कहते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पढ़ा सही नहीं मेरी बेकार है। अरे यार और कैसे बने गया तो फोन भी घर घर नहीं करता है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और आगे और भी हैं कोई और भी है। तो चलिए देरी किस बात की, देखते हैं कौन है। अब ये हैं गाइस श्री कंशी राम जी, ये है मान्यवर श्री कंशी राम जी, मान
और गाइस ये हमारी लास्ट मूर्ति है, देखते हैं ये किसकी है। बने रहिए सुश्री मायावती। गाइस ये है सुश्री मायावती, इन्हीं ने बनाया था। हाँ गाइस इन्हीं ने बनाया था ये पार्क इन्होंने ही बनाया था, सुश्री मायावती। और मेहनत लगी होगी ना बनाने में। अब गाइस आगे चलते हैं, अब हम गैलरी से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे मूर्ति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, और हम हाथियों के बीच से गुजर रहे हैं।
खाली हम पास गए हैं।